दोस्तों, अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं, यानी कि अगर आप मुझे पहले से जानते हैं, तो आपको पता होगा मेरा जो YouTube पे वीडियो आता है वो हर वीडियो में आई बटन नहीं लगा होता है। आई बटन का मतलब ये होता है यहाँ पे आई बटन आता है और उसमें वीडियो का लिंक यानी कि प्लेलिस्ट का लिंक वगैरह वगैरह का लिंक वहाँ पर आई बटन में दिया होता है। और आई बटन मैं क्यों नहीं लगाता हूँ अपने हर वीडियो में, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और लगाता भी हूँ तो कौन सी वीडियो में लगाता हूँ, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूँ कि मेरा नाम है राम प्रवेश और आप देख रहे हैं मिस्टर राम प्रवेश चैनल। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको YouTube से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, हर वीडियो देखते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि मेरा वीडियो कैसा रहता है। तो मेरा जो वीडियो रहता है एक मिनट तक ऐसा मैं फेस कैम वीडियो बोलता हूँ, उसके बाद मेरा जो वीडियो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बदल जाता है, यानी कि मेरा जो वीडियो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला वीडियो चलने लगता है। तो ऐसे में मैं अगर आई बटन लगा दूंगा और आई बटन लगाता भी हूँ तो जो मेरा फेस कैम वीडियो रहता है वहीं पर आई बटन यहाँ पर आता है, और मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो जो आ जाता है उसमें अगर मैं आई बटन लगा दूंगा तो वहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो में अगर मैं उसमें समझा रहा हूँ और वहाँ पे आई बटन में लगा दूंगा तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ पार्ट जो होता है वहाँ पे ऐसा ढक जाता है, और ढकने के बाद जो मैं किसी को समझा रहा हूँ, कुछ सिखा रहा हूँ, तो वहाँ पे ढकने के बाद उन लोगों को एक भी अक्षर अगर मिस हो गया ना तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए मैं अपने हर वीडियो में आई बटन नहीं लगाता हूँ, और लगाता भी हूँ तो किस वीडियो में लगाता हूँ जिसमें मैं फेस कैम बोल रहा हूँ, जैसे कि अपने मुँह से मैं बोल रहा हूँ, और यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर आई बटन आएगा तो ऊपर का पार्ट थोड़ा सा ही ढकेगा, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो जो रहता है उसमें थोड़ा सा भी अगर पार्ट ढक जाता है तो आदमी लोग जो होता है देखने वाला होता है उन लोगों को समझ में नहीं आता है, यानी कि मिस हो जाता है वो पार्ट। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा जो वीडियो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो है उसमें मैं आई बटन नहीं लगाता हूं, और जो लगाता भी हूं तो जो मेरा फेस कैम वीडियो है इसी में मुँह के बोल के बना रहा हूं, इसमें मैं आई बटन लगाता हूं। तो आप लोगों को भी ऐसे करना है, जो अगर आप किसी को कुछ समझा रहे हैं स्क्रीन पे तो उसमें आई बटन आपको भी कोशिश करना है कि कम से कम लगाइए, क्योंकि आई बटन जब आप लगा देते हैं वहाँ पर जगह ढक जाता है, यानी कि वहाँ पर थोड़ी देर के लिए कुछ सेकंड के लिए वो जगह ढक जाता है, और कुछ पार्ट अगर आप समझा रहे हैं तो वहाँ पे वो जो बंदे होते हैं, जो हमारा व्यूअर होता है, वो उनको समझने में मुश्किल होती है। तो यही प्रॉब्लम होती है आई बटन लगाने के और ना लगाने के। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको यूट्यूब से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इस चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।